हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G और इसमें रन कर रहा है UI 5.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। यहां पर गाइस बात करते हैं एक कमाल के फीचर के बारे में। अगर आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी फोन में पिक्चर क्लिक करते हैं, फिर आप लोग उस पिक्चर को एडिट करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मदद लेते हैं और वहां पर आप लोग फिल्टर लगाते हैं, फिर कलर को थोड़ा ब्राइट करते हैं, फिर फेस पर ब्लर करते हैं, तो यहां पर गाइस क्या होता है ना कि उसमें कुछ ज्यादा ही हो जाता है और आप पिक्चर जो है वो ओरिजिनल नहीं रहता और बिल्कुल बेकार आपको देखने के लिए मिल जाता है पिक्चर क्वालिटी। तो यहाँ पर गाइस सैमसंग अपने फोन में बहुत ही कमाल का एक एडिटिंग करने वाला फीचर दिया हुआ है। तो आप जब भी पिक्चर क्लिक करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फोन से, तो आप लोग वहां पर जाकर अपने पिक्चर को, फोटोज को इनहेंस कर पाएंगे, यानी कि बूस्ट कर पाएंगे। वो काफी ज्यादा नेचुरल भी लगेगा और पिक्चर क्वालिटी भी आपकी जो है वो डैमेज नहीं होगी, बिल्कुल शार्प और क्रिस्टल आपको पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा। और फीचर क्या है गाइस, आपको चलना है यहाँ पर गैलरी में आकर आपको पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है कौन सा पिक्चर आपने क्लिक करा था। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है। और यहाँ पर गाइस मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को और भी ज्यादा इनहेंस कर दूं और पिक्चर क्वालिटी भी जो है वो डैमेज ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पिक्चर क्वालिटी डैमेज हो जाता है अगर आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से एडिट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद कॉर्नर में आपको एक आइकन देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली क्या करना है, इस वाले आइकन पे ऐसे टैप करना है और यहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो एनहांसमेंट करने लगेगा। और उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर अपने पिक्चर को देखेंगे तो पहले से और भी ज्यादा क्लीन और बिल्कुल शार्प और काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा इसका कलर, और चेहरे पे जो ब्लर है वो बिल्कुल एकदम नेचुरल जैसा लगेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने एडिट किया हुआ है, बिल्कुल एकदम कमाल का पिक्चर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और एडिटिंग तो काफी ज्यादा जबरदस्त है। और इस पर टैप करके आप लोग देख पाएंगे कि पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी फेस थोड़ा सा डार्क है, लेकिन जैसे मैं इसको करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे मेरा जो फेस है वो थोड़ा ब्राइट हो जा रहा है, देख सकते हैं, और बिल्कुल नेचुरल की तरह लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर पिक्चर की जो क्वालिटी है वो डैमेज हो गई, ऐसा नहीं है, एकदम शार्प आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा आपको ये पिक्चर एडिटिंग फीचर दिया गया है सैमसंग के अंदर, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेव कर देना है, सेव करने के बाद ये गैलरी में आपका आ जाएगा और इसको आसानी से आप लोग कहीं भी शेयर कर पाएंगे। तो आई होप गाइस आप लोग को इस फीचर के बारे में समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जाइए इस फीचर को इस्तेमाल कीजिए। जो भी पुराने पिक्चर हैं या फिर नए आपने लिए हैं उसको और भी ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं तो आप लोग इसके जरिए इनहेंस कर पाएंगे। तो वीडियो में इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।